पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भले ही अवैध माइनिंग की रोकथाम को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, मगर जमीनी हकीकत पर ये तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं। हल्का सुजानपुर में बेखौफ माइनिंग माफिया सरेआम माइनिंग नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और खेतों में, रास्तों में जहां भी जगह दिखाई पड़ती है, ठीक उसी जगह से मिट्टी को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब जिला प्रशासन की नाक तले किया जा रहा है। गाँव के गाँव अवैध माइनिंग की बलि चढ़ते जा रहे हैं। माइनिंग कारोबारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजली के खंभे, बिजली की हाई वोल्टेज तारें या फिर वन संपदा और वातावरण पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें तो बस माइनिंग के जरिए अपने निजी हित से ही मतलब है। मिट्टी पटाने पुटे पुटते काफ़ी देर हो गई है तो उत्थे ना तारा डिगन नाल एक मज भी मर गई ही तो क्लेम दिता ही उन्होंने थोड़ा मता तो जोड़े खंभे है ना इतों सेफ नाल नहीं मिट्टी पुट रहे तो मर गए सेफ नाल मिट्टी पुट रहे पुट के तो क्लीयर करना चाहिए तो चल रही हैं चल दिया तो खंभे अगो मिट्टी जी ना सही नहीं पुट रहे खंभे डिग सकते हैं नुकसान ही होना देख सकते हैं। जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारिया जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।